हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। स्वादिष्ट बारबेक्यू रेस्टोरेंट में मिलेंगे 56 प्रकार के अनलिमिटेड व्यंजन। दरभंगा के मिर्जापुर में खुला बिहार का पहला स्वादिष्ट बारबेक्यू रेस्टोरेंट। बिहार के पहले स्वादिष्ट बारबेक्यू रेस्टोरेंट का शुभारंभ मिर्जापुर के SM प्लाजा V2 स्थित स्वादिष्ट रेस्टोरेंट में किया गया, जहां लोगों को 56 प्रकार के व्यंजन अनलिमिटेड मात्रा में परोसे जाएंगे। इस व्यंजन को मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु के शेफ के द्वारा तैयार किया जाएगा। प्रबंध निदेशक इंदौर के शंभू सिंह सिग्रीवाल ने बताया कि बिहार में इस तरह का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेस्टोरेंट खोला गया है, जहां लाइव म्यूजिक के साथ लोग अनलिमिटेड मात्रा में 56 प्रकार के व्यंजनों का लुत्फ उठा पाएंगे। विश्व के विभिन्न तरह के फेमस व्यंजन जो टापुओं पर परोसे जाते हैं, वह यहां भी परोसा जाएगा। यहां आने के लिए लोगों को ऑनलाइन और एडवांस बुकिंग की सुविधा भी दी गई है। एक निश्चित राशि का भुगतान करने के बाद सभी तरह के व्यंजन का भरपूर मात्रा में आनंद ले सकेंगे। एग्जीक्यूटिव चीफ शेफ बेंगलुरु के मदन सिंह ने बताया कि हेल्दी फूड, मुगलाई सहित देश दुनिया के प्रसिद्ध व्यंजन सामने तैयार किया जाएगा और लोगों के बीच भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहेगा। ये रेस्टोरेंट बहुत पहले खुली थी और आपका कोई नया रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन इसमें नया कॉन्सेप्ट लाया गया है जो कि अभी भारतवर्ष में भी आप गूगल करके सर्च करेंगे तो एक सबसे विशेषता प्रमुख बात बताना चाह रहा था मैं कि अभी तक किसी ने आज तक बारबेक्यू बैंकेट पार्टी नहीं किया, 10 आदमी से लेके और 200 आदमी तक। लेकिन मैंने ये एक नया कोशिश किया है जो पूरे इंडिया में पहली बार आपके बिहार में, सौभाग्य हमारा कि बिहार में मैं बहुत टाइम से इसमें एक साल से लगा हुआ था, क्रिएटिव माइंड लगाता था रोज रात को कि भाई मैं क्या कुछ करूँ नया, 12-13 साल बाद जा रहा हूँ, एक दशक बाद आदमी बदल जाता है ऐसा बोला गया है। तो मैंने भी हमेशा सोचता रहता था रात में कि भाई कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ, तो मैंने बोला कि सर्च करता था मैं डेली गूगल पे कि भाई कहाँ इंडिया में कहाँ है, किस स्टेट में है। कि बारबेक्यू में बहुत खुला अभी 2010 के बाद में भी कुछ कुछ जगह थी, लेकिन अभी तो बहुत जगह खुला। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पर सुसेफ की पोस्ट पे हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको बारबेक्यू होता क्या है। बहुत सारे लोगों को बारबेक्यू ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता नहीं कि बारबेक्यू एक्चुअली में होता क्या है करके। आज ये इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसके कॉन्सेप्ट, इसके रेस्टोरेंट हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर शहर में है। तो बारबेक्यू का मतलब होता है कि जो खुले में जो चीज़ें रोस्ट होती हैं आपके सामने, रोस्ट तंदूर में भी होता है लेकिन तंदूर क्या है किचन के अंदर होता है, वो कॉन्सेप्ट जो तंदूर में जो चीज़ें सीखती हैं वही उसको हमने स्क्यूवर में लगा के, जैसे ये स्क्यूवर है इसमें जो हम लगाते हैं और तंदूर यहाँ ना लगा के ये सिगड़े लगाते हैं, इसके बाद हम इसको ऊपर से रखते हैं। जो चीज़ें खुले में जो रोस्ट होती हैं उसको बारबेक्यू ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है।